लक्ष्मी, आपका रेगी चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भुनी हुई सूजी की बहुत ही क्रिस्पी और दानेदार नान कटाई बिस्कुट की रेसिपी बताने वाली हूँ। नॉर्मली इस तरह की बिस्किट बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके बाद उसे बेक करना पड़ता है, बट आज की जो रेसिपी है ना वो विद इन 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी और उसे बेक भी नहीं करना पड़ेगा। और जब आप इस नान कटाई को गर्मा गर्म चाय के साथ खाओगे ना तो चाय का जो मजा है ना वो दोगुना हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल में 1/3 कप दूध डालेंगे। ये नॉर्मल दूध है जिसे मैंने बॉईल करके ठंडा करके लिया है। इसी में हम 1/2 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। मीठापन आप अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही जल्दी घुल जाएगी। आप चाहो तो नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी यहाँ पे मैंने कलर के लिए डाला है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसे ना डालें। आप चाहो तो वेनिला एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है, और इसे मैंने 2 मिनट के लिए धीमी आँच पर रोस्ट करके लिया था, जिसके वजह से इसका जो कच्चापन है वो भी चला गया है, साथ ही में काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। इसी में हम 1/4 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा जो है बाइंडिंग का काम करेगा। यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा चम्मच भुने हुए मूंगफली का पीसा हुआ दरदरा पाउडर है। आप चाहो तो इसके बजाय बादाम का पाउडर या फिर काजू का भी पाउडर डाल सकते हैं। इसी में हम 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें एक टाइट डो बनाना है। जितना हमने दूध लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें इसे अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा डो रेडी करना है। आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी ये मुझे थोड़ा सा लूज लग रहा है तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच मैदा ऐड करूँगी। अगर आपका भी आटा आपको लगे कि थोड़ा लूज है तो आप यहाँ पे 1 या 2 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला देते हैं और ये देखिए हमारा परफेक्टली एक टाइट डो बनकर रेडी है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने रखा है। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है हम हमारे सूजी के बिस्किट्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। हाथों को हल्का सा तेल लगाकर ग्रीस करेंगे। मैं इसे बहुत ही सिंपल बना रही हूँ तो इसमें से हम थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से इसकी लोई बनाकर हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखिए कितना आसान है ना। और इसी तरह से हम बाकी के सारे रेडी कर लेते हैं। इसकी मोटाई छोटी या बड़ी रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये अच्छे से चिकना होना चाहिए, इसमें कहीं से भी क्रैक नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब हम तेल चेक कर लेते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। आँच को जो है वो हम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे और एक एक करके हम कढ़ाई में इन्हें छोड़ते जाएंगे। आपके कढ़ाई में एक समय में जितने बिस्किट्स आते हैं आप उतने डालें। इन्हें पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने सूजी को ऑलरेडी अच्छे से भुनकर लिया है और बाकी की चीज़ें बहुत ही जल्दी पक जाएंगी। इनके ऊपर से हल्का हल्का हम तेल इस तरह से छिड़केंगे। तो इस बिस्किट्स को हमें दोनों तरफ से 2-2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। आप देखेंगे कि इसकी जो सतह है हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी इन्हें पका लेते हैं। देखिए कितना अच्छा परफेक्टली ब्राउन कलर इस पर आ गया है। दूसरे साइड से भी फिर से इसे पलट देते हैं और देखिए अभी आपको इसमें क्रैक नज़र आ रहा होगा। जब इसमें आपको इस तरह से क्रैक नज़र आने लगे तभी आप समझ जाइए कि आपकी जो बिस्किट है वो अंदर तक अच्छे से पक गई है। तो एक एक करके इन्हें हम स्पाइडर स्पून में निकाल लेते हैं जिससे कि जितना भी तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। देखिए बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं ना। इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के जो बिस्किट हैं हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे।
जब हम इन्हें कढ़ाई से निकालते तो ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बट जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे वैसे वैसे ये थोड़े कड़क होते जाएंगे और उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हमारे भुने हुए सूजी के बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स बनकर रेडी है। तो आप भी इस बहुत ही ईजी बिस्किट को ज़रूर बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को जरूर लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने रे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि इस तरह की आसान और लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।